सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए अगर तैयार केक मेरे पास है। देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ ये ही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से। मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ अब यह तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को यह पता नहीं चलेगा। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है। और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है, अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है, क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों दादी यहाँ है। अरे नहीं उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी जल्दी इसे खाओ। वाह कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है, कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ माफ करना मैगी। वाह वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओ वाह यह इंद्रधनुषी है। और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है।
ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है? नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल, सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ यह सही है, मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं। और यह बर्नर का समय है, सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है, मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहती हो दादी, आपको रंग कैसे लगे? खैर आपको कुछ नहीं पता है। ओह ये शेफ क्या जानते हैं? मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा, बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है, आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह क्या खुशबू है, सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह एक सेकंड रुको, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह यह क्या बसे? ओह माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह ओह और यहाँ असली पॉपकॉर्न है, चलो यह खाते हैं। कितना मीठा, आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह यह क्या है? वाह ये कितना मस्त है, ये अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है, बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ एक और पॉइंट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है, क्या आप ये बना सकते हैं? क्या वो क्या है पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह क्या फोकस है, ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह तुम जल्दी खुश हो रहे हो, मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ।
हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या वह क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूंगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है? ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। उफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो, ये सबसे अच्छा डिश है। ओ धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है। हाँ, तो पहले दौर में आपको मेरे लिए इस तरह का डोनट पकाना होगा। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। डोनट? यह आसान है। हमें शुरुआत आटा गूंदने से करना होगा। ऐसा करने के लिए आटा, दूध और चीनी मिलाएं, फिर इन सबको अच्छी तरह से फेंटे। हाँ, आटा तैयार है। अब इसे गूंदने और छोटे टुकड़ों में करने की जरूरत है, ताकि बाद में ये भाग डोनट बन जाए। लेकिन पहले हमें अलग अलग रंगों के डाई के साथ डो को सजाने की जरूरत है। यह इस तरह से रंगीन और अधिक दिलचस्प होगा, न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी। ओह, बस इसे देखो, तुम्हें पता है क्या, यह और भी कूल होगा यदि एक ही बार में कई रंगों के एक डोनट में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने के लिए मुझे सभी रंगीन डोनट को मिक्स करना होगा, इसे ठीक से रोल करना होगा और छोटे स्ट्रिप्स में काटना होगा, और फिर इससे डोनट्स बनेगा। बढ़िया, और आप उन्हें ओवन में भेज सकते हैं। मैं पुराने तरीके से डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए मैं डो को एक कप की मदद से छोटे सर्कल्स में काट लूंगी, जिसमें फिर मुझे छोटे छेद बनाने होंगे। हाँ, कैंची की सहायता से छेद बनाया और तैयार डोनट्स को गर्म तेल में फ्राई करेंगे। इस तरह से वे जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ओ, मुझे लगता है यह तैयार हो गया। और अब केवल स्वादिष्ट ट्रीट के साथ डोनट को भरना है। इसके लिए पहले से काटना होगा और प्रत्येक भाग पर व्हिप्ड क्रीम डालना है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी एकदम सही रहेगा। मेरी राय में ये स्वादिष्ट और सुंदर दोनों निकला।
डोनट्स के लिए बेस तैयार है। अब केवल रंगीन ग्लेज में डिप करना बचा है और ऊपर से थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स। बहुत सुंदर। और मैं अपने बैग में जो कुछ भी है उससे डोनट्स बनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ दिलचस्प करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें न्यूटेला और ओरियो को मिलाना होगा। न्यूटेला को एक कटोरे में डाला जा सकता है और जिसके बाद हमें ओरियो से चॉकलेट चिप्स बनाना होगा। मेरा जूता यह काम अच्छे से कर लेगा। बस अब यह सब एक गाढ़े चॉकलेट में मिलाया जाना चाहिए। ऐसे। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लेकिन यह इतना ही नहीं है। यह वह डो है जो भविष्य के डोनट का आधार होगा। इसे मनचाहा आकार पाने के लिए इसे एक गम बॉक्स में भरना होगा और डोनट के अंदर एक छेद करने के लिए हम फैंटा के ढक्कन को अंदर रख सकते हैं। अब केवल इस फॉर्म को फ्रिज में डालना बचा है। थोड़ा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है ये तैयार है। हाँ, अब हमें किसी तरह इस फॉर्म से छुटकारा पाना होगा। ओह, मैं एक मजबूत लड़की हूँ और फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हो गया। इसे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लेकिन अगर मैं इस डोनट के ऊपर एक ट्यूब से गम डालती हूँ तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। वाओ, अद्भुत। मेरे पास सब तैयार है, सबकी तरह। जरा देखो। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं शेफ जैक के डोनट्स को ट्राई करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और वाओ, इसका स्वाद लाजवाब है। आगे क्या है? जाहिर है मैरीने जो कुछ भूरा सा बनाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। खा कर देखना होगा, लेकिन बहुत कड़ा है। इसे खा भी नहीं पा रही। किसी पत्थर की तरह है। मैं नहीं खाऊंगी। दादी, चलो देखते हैं आपने क्या किया है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। दादी, आप जीत रही हैं। सच में मैंने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे डोनट्स के बाद पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। आपको पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने अलग अलग कॉकटेल बनाए हैं और मुझे लगता है कि आज भी मैं पहले की तुलना में कम स्वादिष्ट कॉकटेल नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले दूध को ब्लेंडर में डालना होगा और फिर वहाँ आइसक्रीम डाले। इससे कॉकटेल को जरूरी स्वाद मिलेगा। और अब इस ब्लेंडर में हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड और काम हो गया। हमें बस इसे सुंदर ग्लास में डालना होगा और अब पूरी चीज को चॉकलेट से सजाया जाना चाहिए और एक छेद वाला कुकी भी जोड़ना चाहिए। मेरी राय में यह एक अच्छा आइडिया है। और केवल इतना ही नहीं है, केक का एक टुकड़ा बेरित से सजा हुआ। मार्शमेलो, कॉटन कैंडी और अंत में लॉलीपॉप शानदार होगा। वाओ, और ऊपर से स्प्रिंकल्स। और अब सब कुछ तैयार है। क्या यह कॉकटेल है? यह सिर्फ चीनी है। एक कॉकटेल को हेल्दी होना चाहिए, इसलिए पहले चीज जो मैं करूंगी वह मीट ग्राइंडर में खीरे को पीसना है और आगे गाजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओहा, और यह तो स्वादिष्ट दिख रहा है। यह तो लगता है टूट गया है। खैर, मैं खुद चुकंदर से रस निचोड़ लूंगी। तैयार, मुझे लगता है यह स्वादिष्ट है। नहीं, मैं तो इस तरह के कॉकटेल को चखूंगी भी नहीं। मैं अपना कॉकटेल ऐसा बनाऊंगी जो देखने में और स्वाद दोनों में अच्छा होगा। मुझे इसके लिए दूध और कोको की जरूरत होगी। वैसे जितना ज्यादा कोको कॉकटेल उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे यह एकदम सही लग रहा है। बस इसे ठीक से हिलाने की जरूरत है, अच्छे से। हाँ, अद्भुत। और इसमें व्हिप्ड क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
लेकिन जाहिर है उन्हें बहुत अच्छी तरह से फेंटा नहीं गया है। मुझे और मेहनत करनी होगी। ओह, तुम्हें और सावधान रहना होगा। अब हम इसे निचोड़ सकते हैं। ओह, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा हिला दिया, लेकिन कॉकटेल के लिए एकदम सही है। अब इसे कैंडीज और चॉकलेट के एक टुकड़े से सजाना बचा है। हाँ, अब ये तैयार हो गया। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो शुरू करते हैं। यह क्या है? चलो ट्राई करती हूँ। ये तो बहुत ही खराब है। सिर्फ सब्जियां हैं यहाँ। और यह वाला? यह तो इसकी बात तो अलग है। यह कोको की तरह ज्यादा है। वाह! और यह क्या है? शेफ जैक का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कॉकटेल। वाह! इसके पीने के बाद तो पूरा पेट भर जाएगा। आउच! यह क्या हो गया? ये सब मेरे ऊपर है, मुझे पसंद नहीं है। मैं इस राउंड की विनर बन रही है। मुबारक हो। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए लॉलीपॉप बनाएं। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्पेशल डबल पैन लूंगी। मैं इसके एक हिस्से में स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और दूसरे में कुछ मार्शमेलो डालूंगी। अब मुझे इसे गर्म करने की जरूरत है और मार्शमेलो को पिघलाना भी होगा। ओह, बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और अब मुझे इनसे अलग अलग लंबे सॉसेज बनाने हैं, जिसे मैं फिर एक साथ मोड़ दूंगी। जरा इसे देखो। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब केवल उन्हें छोटे टुकड़ों में काटने और उनसे रंगीन कैंडी केन बनाना है। उसके बाद सब तैयार हो जाएगा। और मुझे खट्टे टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के कुछ डब्बे चाहिए, जिन्हें मुझे एक विशाल सॉस पैन में डालना है। उन्हें पिघल जाना चाहिए, जिसके बाद मुझे इस तैयार मिक्सचर को स्टिक पर लगाना होगा। हाँ, अच्छे से मिलाती हूँ पहले। हो, जरा सोचो कि लॉलीपॉप कितना बड़ा होगा। वाओ! बोरिंग! घोड़ों के रूप में लॉलीपॉप की बात ही कुछ अलग होगी। ऐसा करने के लिए मैं पिघले हुए कैंडीज को सांचों में डालूंगा और उसके बाद उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जमा दूंगा। ओह, कितना अच्छा दिख रहा है। अब जादू। मुझे लगता है इतना काफी है। जरा इसे देखो। लेकिन लॉलीपॉप सफेद है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा। इसको रंगने की जरूरत है। हम उन्हें विभिन्न फलों और बेरीज के सिरप के साथ रंगेंगे, तब ये रंगीन और स्वादिष्ट होंगे। हाँ, चलो करता हो। ओह, ये कितना भारी है। ओह मैरी, तुमने क्या किया है? तुमने मेरी रचना को लगभग तोड़ दिया था। यह अच्छा है कि सब सही सलामत है। आइए देखें कि एमा को मेरे घोड़े पसंद आते हैं या नहीं। दिलचस्प। सबसे पहले मैं मैरी के इस विशाल लॉलीपॉप को ट्राई करूंगी। ओह, ये बहुत बड़ा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही। छी, कितना खट्टा। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं। अब चलो दादी की छड़ी को चक्कर देखें। बुरा नहीं है, असल में मुझे वो पसंद है। और सबसे सुंदर लॉलीपॉप बचे हुए हैं, मतलब शेफ जैक के घोड़े। अद्भुत, वे न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार एमा ने मेरी टैलेंट को समझा। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती,
मेरी कड़ाही और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? ये अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे, और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे, और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं? स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए, और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। नाइन में से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह माफ करना, यह एक और संकेत है कि यह कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए, के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए, तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ाम, कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट, यह ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ, और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और पी देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है, और यह कॉकटेल एकदम घिनौना से आपका है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है, देखो इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है, यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो, और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ, और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में चौगुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, यह साधारण बर्गर की तरह है। और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस
मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। तड़ाम। अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो।